हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और अभी जो है सुबह के 4 बज रहे हैं, तो आज हमारी आंखें अचानक से 4 बजे ही खुल गई थी और उठकर बैठ गए एकदम से, तो देखा काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी तेज़ बादल भी छाए हुए थे। एक आध बूंदाबांदी भी हो रही थी, एक आधी बूंदें पड़ रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं पड़ रही थी, पर थोड़ी देर बाद काफ़ी तेज़ पड़ने लगी थी। तो उसके बाद में इधर हमने सोचा अब क्या करें, मतलब लेटते भी नहीं बन रहा था क्योंकि सुबह हो चुकी थी, फिर 4 बजे अगर उठ जाओ ना फिर दोबारा से लेटो तो फिर अजीब सा लगता है, और फिर अगर नींद ना आए तो फिर मुश्किल हो जाता है लेटना। तो फिर उसके बाद में इधर हमने सोचा चलो जब तक इसी बीच पानी पी लेते हैं गर्म करके, तो यहाँ पे पानी गर्म करके पी ले रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट पानी पीना बहुत ही हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है और फ़ायदेमंद रहता है। तो उसके बाद में इधर आ गए थे बाहर, तो काफ़ी तेज़ बूंदें पड़ रही हैं और चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, तो इधर बूंदें दिख रही हैं कैमरे में, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी 5:10 का टाइम हो रहा है और आज हमारी आँखें अचानक से इसलिए खुल गई थी 4 बजे, एकदम आज हमने अजीब सा सपना देखा तो एकदम से उठ गए हम। और कभी कभी ऐसा होता है जब हम कोई बुरा सपना देखते हैं तो चाहे वो 3 बजे हो या 4 या रात के 2 बजे हो, तो अचानक से आंखें खुल ही जाती हैं। जब कोई अच्छा सपना देख रहे हो तो काफ़ी अच्छी नींद आती है, फिर पता ही नहीं चलता है कि कितना बजा है। जब कोई बुरा सपना होता है ना तो हम लोग जल्दी से आंखें खुल जाती हैं, तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ आज हुआ। और उसके बाद इधर बाहर आ गए थे देखने के लिए, बहुत ही अच्छा सा लग रहा था सुबह सुबह, और अब काफ़ी ठंडा मौसम होने लगा है तो काफ़ी तेज़ बूंदाबांदी हो रही है। सभी लोग अभी लेटे हुए हैं हमारे घर में क्योंकि खुले घर में कोई काम तो अब बारिश में कैसे होगा, तो इसीलिए सभी लोग आराम से उठेंगे और अभी लेटे ही हैं। बच्चे भी सो रहे हैं, इनके पापा भी लेटे हैं। तो अब हम पहले अपने घर की लगाएंगे झाड़ू, आंगन में तो लग नहीं पाएगी, कमरे में बरामदे में लगा लेंगे, और इधर के साइड अभी भैया और ये सभी लोग लेटे हुए हैं तो यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये लोग उठ जाएंगे उसके बाद में यहाँ पे झाड़ू लग जाएगी। तो इधर हम आ गए थे अंदर क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी, तो इसीलिए फिर हमने मोबाइल की लाइट जला के रख ली है और अंदर लगा लेते हैं झाड़ू। तो झाड़ू हमारी कमरे में जैसे ही लग गई थी वैसे लाइट आ गई थी। तो बाद में फिर उसके बाद में हमने पानी भरा झाड़ू लगाने के बाद में, और पॉलीथीन जो पड़ी हुई है जे इकट्ठा, तो इनको एक इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं, बाद में इसमें जो है जला देते हैं, इनको घूरे पे नहीं फेंकते हैं क्योंकि ये घूरे पे सड़ती नहीं है, फिर खेत में पहुंच जाती हैं, तो इनको अलग कर देते हैं। और झाड़ू हमारी लग ही गई थी कमरे में, तब तक लाइट भी आ गई थी, और ये कपड़े हमारे शाम के पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत जो है नमी इनमें थी तो हमने अंदर टांग लिए थे उठाकर, और कूलर चला देते हैं तो फिर हवा में ये कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं क्योंकि पेड़ की वजह से अब हमारे आंगन में जो है धूप नहीं अच्छे से आती है, तो इसीलिए कपड़े ठीक से सूख नहीं पा रहे हैं। इस समय धूप भी नहीं निकलती है और बादल चारों तरफ छाए रहते हैं पूरा दिन, तो इसीलिए नहीं ठीक से सूख पाते हैं, तो कमरे में डाल देते हैं तो सूख जाते हैं अच्छे से। और झाड़ू लग गई थी, उसके बाद में पानी भर लिया है हमने पीने का पानी, पानी उठा के इधर रख देते हैं, उसके बाद में नहाएंगे जाकर। तो पानी बरसते में ही हमने नहा लिया था और मैक्सी पहनकर इधर अंदर आ गए थे, उसके बाद में कपड़े चेंज कर लिए थे, मैक्सी हमने टांग लिए थे वहीं पे बाथरूम में, तो भीग भी गई थी क्योंकि बाथरूम भी हमारा ऊपर से खुला है और इसीलिए जो है भीग गई थी, तो फिर चेंज कर लिए हैं कपड़े अंदर आके, और कपड़े भी साथ साथ में धो लिए थे। तो इधर बच्चे और उनके पापा जो है घूम कर आ गए हैं, तो सुबह उठते ही इनके पापा इनको इधर उधर घुमाने ले जाते हैं और कहीं चीज़ दिलाने जाएंगे कहीं कुछ, तो ये पापा को नहीं सुबह सुबह छोड़ते हैं। तो हमने नहाकर जो है कपड़े फैला दिए हैं, उसके बाद में चाय बनाई और थोड़ा बहुत खाना हमारा शाम वाला रखा हुआ था, पूड़ी कचौड़ी थी, सब्जी भी बच गई थी शाम को, तो जो है फ्रिज में रख दिया था, तो सुबह कचौड़ी जो है चाय के साथ में खा ली थी सभी लोगों ने, और उसके बाद में थोड़ा सा बना लिया है दलिया, तो बच्चे भी खा लेंगे और इनके पापा भी खा लेंगे, तो दलिया बना लिया था हल्का फुल्का खाना,
क्योंकि पूड़ी कचौड़ी खाने के बाद में कोई इच्छा नहीं होती है खाने की, कुछ ऐसा लगता है फिर हल्का ही खाना मिले। तो दलिया बना दिया था तो इन तीनों लोगों ने खा लिया था। और उसके बाद में इधर आ गए हैं बर्तन धोने के लिए, तो सारे बर्तन धो लेते हैं अच्छे से। और हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और जो है और कमेंट भी प्यारे प्यारे किया करिएगा, कमेंट भी, हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट अच्छे अच्छे किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और हमें और अच्छा लगता है काम करने में। जब आप लोग कुछ बताते हैं या पूछते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, तो आपके कमेंट से हमें और भी ताकत मिलती है काम करने की। और हमें अच्छा लगता है कि हमारे दोस्त प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हमसे कुछ पूछते हैं बताते हैं, तो हमें और अच्छा काम करने में लगता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक भी करिए वीडियो को, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बर्तन एक बात और आए हैं अभी से बतानी थी कि वैसे भी हमारा घर जो है स्टोर रूम जैसा है, आप लोगों ने देखा है पूरे आंगन में कहीं कुछ फालतू की चीज़ें पड़ी ही रहती हैं। और वो क्यों पड़ी रहती हैं आप लोग अभी ये सोचेंगे कि उसको हम उठा के कहीं अच्छे से रख भी सकते हैं, वो इसलिए पड़ी रहती हैं क्योंकि ये घर जो है हमारा पर्सनल घर नहीं है। तो हम सोचते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे हमारा सपोर्ट करिए, ताकि हम भी अपना जो है अपने सपनों का घर बनवा सकें और अच्छा लगे हमें भी। तो हम इस समय जो है जब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मतलब दिमाग हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करता, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन, कहते नहीं है कि जब घर में जो है ज़्यादा फालतू की चीज़ें होती हैं उससे पता है मन अशांत रहता है, कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। तो हमारा मन एकदम शांत नहीं रहता है, हमेशा अशांत ही रहता है। तो वैसे तो हम बहुत अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, पर जो है कभी कभी दिमाग जो है काम नहीं करता है, तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। और बहुत ही मतलब हिम्मत दे के जो है हम वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं और सोचते हैं एक ना एक दिन हमारा वीडियो ज़रूर वायरल होगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से हम कहीं नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हैं आपके प्यार और सपोर्ट से हैं यहाँ तक आ पाए हैं। तो अगर थोड़ा और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कुछ हमारा भी भला हो पाएगा। और तो इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें, पता नहीं कब हमें मतलब अपने सपनों का घर का सुख मिलेगा या भी नहीं मिलेगा। तो बस यही सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इसमें जो है आप लोग समझ सकते हैं, जब आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना तो उनको पता होगा कि कैसे मैनेज करना पड़ता है। और वैसे तो हमारे घर में जो है सभी लोग काम कर लेते हैं मिलजुल कर, पर जो है इतना नहीं हो पाता है कि हर जगह अपनी मनमानी कर पाओ, तो कुछ ऐसा नहीं हम कर पाते हैं, क्योंकि हर जगह हमारा जो है मनमानी का, या तो कोई अच्छे से हम अपना सामान रख पाएँ या कुछ कर पाएँ। एक ही कमरा है हमारे पास में, तो वो भी मतलब उसमें हर चीज़ रखे हुए हैं, तो कभी कभी हमारा दिमाग जो है ख़राब हो जाता है यही देखकर कि काश हमारा भी अपना सपनों का घर होता, क्योंकि अपने घर अपने जो मेहनत की जो कमाई से घर बनता है ना, तो उसकी खुशी अलग होती है। तो बस इसी से हम ज़्यादातर परेशान रहते हैं। तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और बस उसके बाद में ब्लाउज की कटिंग की घर का काम करने के बाद में, और जो है उसके बाद आ गए थे छत पर, तो ब्लाउज कटिंग करके रख लिया है, अभी सिलेंगे नहीं क्योंकि इसके कलर का धागा नहीं था। और धागा जहां हम बाज़ार जाते हैं ना मार्केट, वहीं पे मिलता है, गांव में वो भी नहीं मिलता है, इतना दूर मिलता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद आ गए थे छत पर, तो बहुत ही प्यारा सा मौसम है, तो हम यहाँ छत पे इसलिए आए थे, अभी दोपहर के 1:30 बजे का टाइम हो रहा है,
तो धूप नहीं थी, बादल थे, तो हमने कहा चलो छत पे चलते हैं, क्योंकि नीचे जो है वीडियो जब भी हम अपलोड करते हैं तो नीचे अच्छे से अपलोड नहीं हो पाता है, नेटवर्क बहुत ही कम मिलते हैं, और छत पे आते ही कम से कम वही 10 मिनट लगेंगे, वीडियो अपलोड हो जाता है। तो हमने कहा चलो छत पर ही चले जाते हैं और हमारा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा और थोड़ा मन भी दूसरा हो जाएगा। इधर छत पे घूम के आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था छत पे। और आर्थर ने नहीं देख पाया था, जैसे उन्होंने बाद में देखा कि हम छत पे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुए और दौड़ते हुए आए छत पे आने के लिए। तब तक हम नीचे उतर गए तो रोने लगे कि मम्मा नीचे क्यों उतर के आ गई हैं। तो फिर इनको दोबारा से हमें लेकर आना पड़ा, तो यहाँ पर थोड़ा देर टहल रहे थे और उसके बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब हम नीचे चले जाएँगे। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आप जो है वीडियो एडिटिंग जो है एक एक क्लिप लेते हो जब ये वीडियो बनाते हो या फिर एक साथ में सारे काम दिखाते हो, तो हम थोड़ी थोड़ी क्लिप लेते हैं सभी, फिर बाद में एडिटिंग करते हैं ऐप से, तो आप लोग जो है YouTube पे जाके देख लीजिए कि एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं और छोटे छोटे क्लिप कैसे जोड़ते हैं, तो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। हमें भी पहले नहीं पता था, हम भी यही सोचते थे कि शाम वाला, सुबह वाला, दोपहर वाला कैसे सभी एक साथ में दिखा देते हैं, तो जब हमने खुद काम किया और सीखा तब जाके हमें भी पता चला। तो ऐसे एक एक करके चीज़ें हमने यूट्यूब से ही सीखी हैं, आप वहीं पर जाके देखिएगा आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सारे कपड़े उतार लेते हैं, कल फिर मिले।